हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट रंजना। और आज का वीडियो एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है। और मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाया था ऑनलाइन और मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। तो जो भी चीज़ है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है। तो लेट्स गो इनटू द वीडियो और अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो प्रोडक्ट का एक लुक, फिर धीरे से उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये हैं सारे प्रोडक्ट जिनकी अनबॉक्सिंग करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है बगल में, तो इसको ऑलरेडी मैंने सैनिटाइज कर लिया है दोस्तों। तो जैसे आपने देखा कि उसको मैंने सैनिटाइज कर लिया है, और सेफ्टी पर्पज़ से वो एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 दिन हो गए उनको मैंने बाहर ही रखे रहने दिया टेबल के ऊपर बरामदे में। उसके बाद मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। उसके लिए चाहिए होगा हमको एक सीजन से ऑर्डर किया है इसको, और इससे पहले मैंने एक येलो कर्टन ऑर्डर किए थे अपने रूम के लिए, बहुत अच्छे आए थे, इसीलिए मैंने सेकेंड टाइम भी किए। और ये कुछ वाइट कलर के कर्टन हैं, 4 का सेट है ये, और मैं आपको दिखा दूँ 7 इंचेस कुछ इसकी हाइट है। और अच्छा, ये फोल्ड है, मैं तो डर गई थी, मुझे लगा ये इतना छोटा कैसे आया है। ओ माय गॉड, मैंने कहा 7 फिट तो काफ़ी होता है लेकिन इसने उन्हें ऐसे फोल्ड करके रखा है। तो ये देखिए, ये है, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, जैसे मैं पास से दिखा दूँ, बहुत ही अच्छा कपड़ा आया। और फाइनली मुझे अच्छा लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत सुपर आया है, मैं यहाँ रख देती हूँ। अब इसके अलावा अब चलिए एक और मेरा प्रोडक्ट आया है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। सेल चल रही थी और उस सेल में मैंने मंगाया है, और ये कुछ हमारी गर्ल्स के लिए, प्रिटी गर्ल्स के लिए, ये आई लैशेस को ऐसे करके कर्ल करने के लिए होता है। इसमें आई लैशेस को पकड़ के दबाते हैं और कर्ल करते हैं। हमारी जो लड़कियाँ होंगी वो इसको जानती हैं वो क्या चीज़ है। ये है, अब मेरा एक बॉक्स और है जिसको मैं आपके सामने ओपन करूँगी। उसमें मेरा कुछ डेली बेसिस वाला सामान है जो कि मैंने मंगाया है नायका से, और लेट्स सी। और ये है पूरा प्रोडक्ट, इसमें कई सारे आइटम्स आए हैं। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं सीजर के साथ और फिर देखते हैं इसमें क्या है, और फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पैकिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से की हुई है इसकी। वाह, इतना पेशेंस किसके पास है लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है कि जो टूटने वाला होता है, इसीलिए ज़रूरी होता है कि इसको अच्छी तरीके से भेजा जाए। दम लगा के हैया, जोर लगा के हैया। ओ क्या है यार, अच्छा, ओह माय गॉड, इस तरह से कुछ पैकेट्स के अलग अलग जो भी सामान थे उसको करके उन्होंने दिया इसमें। अच्छा ये है, ओ माय गॉड, इसके अंदर नेल पॉलिश रिमूवर है, और ये कितनी क्यों ऐसे पैकिंग किए, ये दिखा देती हूँ, ये इस तरह की पैकिंग करके दिया इन्होंने। सीज़र नीचे रखना पड़ेगा। और इसमें ये है मेरा बटर, बॉडी बटर, कोको बटर मैंने मंगाया था, ये वो है। और इसमें है नेल पॉलिश रिमूवर, और जितने भी सामान होते हैं ये अच्छा है कि ये लोग इस तरह से देते हैं कि टूटे और फूटे नहीं, अदरवाइज़ फिर लाने में और रखने में कई बार सामान सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो खैर, ये लोग काफ़ी, जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स वाले जो होते हैं काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, लोगों को पता होता है किस तरह से भेजना है। हाँ, तो ये मैंने मंगाया था लैक्मे का, ये है नेल कलर रिमूवर, ठीक है। और इसमें क्या है, कुछ छोटा सा और सामान, इस तरह की पैकिंग आई है, और इसको अगर मैं इस तरह से खोल रही हूँ तो मुझे वैसा वाला लुक आ रहा है जैसे नहीं केले के पत्ते में कुछ लपेट के देते हैं। तो हाँ, तो इसमें एक ये लिप बाम है जो मैंने ये ट्रायल के लिए मंगाया था कि ये कैसा है, ट्रायल बेसिस के लिए मंगाया है। चलो चलो, और ख़त्म, थोड़ा कबाड़ा सा है। और ये मेकअप रिमूव करने वाले ये जो वाइब्स हैं नायका स्किन सॉफ्ट हैं, ये उसका पूरा पैकेट मैंने मंगाया है जो बड़ा एसेंशियल है।
डेली बेसिस के यूज़ की चीज़ है, तो सारी डेली बेसिस के यूज़ की चीज़ है। एक्चुअल में जैसा माहौल चल रहा है तो उसके लिए सब सामान के लिए भीड़ भाड़ में जाना, मार्केट में जाना थोड़ा सा रिस्की है, और बार बार जाना तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। ओह अच्छा, मैंने ये टेस्टिंग के लिए मंगाया, ये बीबी के मंगाया है गार्नियर का, इसका रिव्यू बहुत अच्छा था इसलिए मैंने छोटा ट्रायल पैक मंगाया है कि ट्रायल करने के लिए कि ये कैसा है। तो ये बहुत नन्नू सा है, ये ट्रायल करने के लिए मंगाया है। अगर मैं इसको ट्रायल करके आप लोगों से इसका फीडबैक या रिव्यू शेयर करूँगी कि मुझे कैसा लगा। ओह माय गॉड, ये है लूज फॉयल पिगमेंट स्विस ब्यूटी का, ये इसको खोलते हैं। ये अमेजिंग प्रोडक्ट है और आई मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ग्लिटर टाइप का होगा इसके अंदर, ग्रेट। मैंने शेड मंगाया था, आई थिंक शिट जो मैंने मंगाया था वही शेड आया है। और ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है, इसको खोल देती हूँ। ओ माय गॉड, व्हाट अ प्रिटी, ये देखिए ये इस तरह से है। ये देखिए, किसी दिन मेकअप लुक ट्राई करूँगी तो मैं इसको अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा अभी अप्लाई करके देख लेते हैं कैसा लगता है जरा सा। सुपर्ब। तो ये कुछ डेली यूज़ के सामान थे जिसकी पैकिंग मैंने आप लोगों के साथ की। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं इसी तरह की अपनी डेली कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, लाती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अप्रिशिएट करिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। और ये बताइएगा ये कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ही तुरंत रिव्यू दिखाने के लिए यूज़ कर लिया है, और समडे मैं यूज़ मेकअप आई मेकअप बनाऊंगी तो फिर मैं इसका यूज़ ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो अनबॉक्सिंग वाला अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जो बेल आइकन दिया उसको ज़रूर क्लिक 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 कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। और साथ में आज के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। और फ्रेंड्स, ट्यून, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, पॉजिटिव रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स।